सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले गई। टेक्नोलॉजी हमें हस्ताक्षर से फिर अंगूठे के निशान पर ले आई। सब फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त के भी होते हैं। शिक्षा एक वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबा से फल देता है। ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब हम इसे उपयोग में लाते हैं। आज का पंचांग 28 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रात्रि 11:36 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र सुबह 5:07 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:33 से 11:15 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:17 से 1:01 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर सुबह 5:07 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगी। मकर राशि, अपने बड़े भाई बहन की सुने। आप खुद को सोशल मीडिया, फोन, ईमेल और नोटिफिकेशन में व्यस्त पा सकते हैं। रिश्ते इस समय फल फूल रहे हैं और लोग आपके आसपास रहने में दिलचस्पी ले रहे हैं। आपकी कंपनी मांग में है, इन सामाजिक छड़ों का मजा ले। अच्छा भाग्य आपका, आज आप सामाजिक संबंधों का आनंद लेंगे। एक समान सोच वाले लोग आपको आकर्षित कर सकते हैं। आप में से कुछ सामाजिक कल्याण और भाई के कामों में ध्यान केंद्रित करेंगे। अपने दोस्तों को आपके जीवन में उनके महत्व के बारे में बताएं। ध्यान रहे, जब तक आप किनारे को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप समुद्र पार नहीं कर सकते। आप भौतिक की बजाय प्रैक्टिकल होकर फैसले लेने का दिन है। इसे आप बेहतरीन तरीके से अपने कामों को अंजाम दे पाएंगे। आज प्रॉपर्टी या कोई इससे संबंधित रुका हुआ मामला हल हो सकता है, इसीलिए कोशिश करते रहें। आपकी व्यस्तता बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसीलिए वक्त का लिहाज रखते हुए हर एक काम को ठीक से करना आपके लिए जरूरी है। बनाई गई योजना पर टिके ना रहने की वजह से आप खुद के लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। लोगों के आपके ऊपर बढ़ रही नाराजगी को दूर करने की कोशिश करें। मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को टारगेट को पूरा कर पाना संभव नहीं है। सावधानियां, संतान अथवा किसी पारिवारिक सदस्य की नकारात्मक गतिविधि का पता चलने से कुछ चिंता रहेगी, परंतु समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। किसी भी सरकारी काम को लापरवाही की वजह से अधूरा ना छोड़े। बात करते हैं लव लाइफ की। अपने करिश्मे से आज किसी को भी लुभाने की ताकत आप रखते हैं। भाग्य आपके साथ है और सफलता की ओर इशारा कर रहा है। दोस्त या अन्य रिश्तेदार आपको पूरा सहयोग देंगे। याद रखें, रिश्ते में छेड़खानी रिश्ते के आकर्षण को दुगना कर देती है और चाहत को बढ़ाती है। आज आप किसी खास व्यक्ति की तरफ आकर्षित होंगे या यह भी हो सकता है कि कोई आपकी ओर खींचा चला आए। सामाजिक कार्यों में भी आप व्यस्त रह सकते हैं। आपका प्यार आपकी आपके पार्टनर के साथ अंतरंगता बढ़ाएंगे। बात करते हैं करियर की। किसी समूह, क्लब या सोसाइटी का हिस्सा बनकर आप अपने लिए लक के नए रास्ते खोल सकते हैं। नेटवर्किंग और अपने संपर्कों के माध्यम से आप अपनी आय को दुगना करने में सक्षम होंगे। बस आज चोरी या दुर्घटना से बचने के लिए थोड़ा सावधान रहें। सामाजिक संपर्क आज आपकी प्राथमिकता है। दोस्तों के साथ समय बिताने से आपको लाभ होगा। इस समय प्यार का आदान प्रदान आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। अपने परिजनों को यह बताना ना भूले कि वो आपके लिए कितने जरूरी हैं। बात करते हैं
सेहत की। थकान और निराशा को अपने ऊपर हावी न होने दे। मानसिक सुकून और शांति के लिए कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में भी जरूर बिताएं। बीपी में उतार चढ़ाव होने की वजह से घबराहट महसूस होगी, ध्यान रखें। आज का उपाय, आज भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।